तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे पीछे पीछे लगे रहते हो? हाँ, पागल आगल हो क्या? जब भी मैं देखती हूँ तुम मेरा पीछे ही किया करते हो, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? आज के बाद अगर इस एरिया में भी नजर आए ना, तुम्हारा हाथ पर तुड़वा दूँ, ये सोच लेना, पागल आदमी कहीं का। नमस्ते। नमस्ते। ये हमारा लड़का है अमन, आपकी बहन का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। बाकी तो सब ठीक है, मेरी बहन भी इससे बहुत प्यार करती है, तो हमने इसको बहुत प्यार से पाला है। मैं चाहती हूँ कि आप भी उसको बहुत प्यार से रखें। जी आप उसके लिए फिक्र मत कीजिए, हमारे घर की बहू बनने वाली है, हमारी बेटी जैसी रहेगी, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो आप अपनी बहन को बुलाइए। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी बुला के लाती हूँ। ये हमारी बहन है, प्यारी सी, हमने बहुत प्यार से इसको पाला है। बहुत ही खूबसूरत है, हमें बहुत पसंद है। शादी की तारीख बताएं। शादी के तारीख के लिए तो टाइम चाहिए, क्योंकि हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं है, तैयारी के लिए वक्त तो चाहिए। आप कैसी बातें करती हैं, हम उठाएंगे सारी खर्च शादी का, आप सिर्फ पंडित से डेट निकलवाइए। ठीक है ठीक है, जल्द से जल्द डेट फाइनल कर लीजिए। ठीक है, जो भी तारीख है फिक्स करके बता दीजिएगा। ठीक है जी, तो अब हम लोग चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। चलो अच्छा हुआ तेरा रिश्ता अच्छे घर से आया। चलो आज मैं बहुत खुश हूँ, तेरे अच्छे घर में शादी होने जा रही है। चलो। आओ बेटा, आओ बहू, आओ जाओ, आप लोग ऊपर आराम करो। सरिता जी आप बैठो, मैं पापा से मिलके आता हूँ। ठीक है। आज जमीन पर चांद उतर आया है। चलिए मैं आपको आज कुछ तोहफा देना चाहता हूं।
वाह बहुत प्यारी है, थैंक यू। सरिता मेरा एक बात ध्यान से सुन। बोलिए। मेरे खानदान में मर्दों ने हमेशा औरतों पर हुक्म चलाया है, यहाँ तक कि पति के इजाजत के बिना सोना उठना भी नहीं होता। देखो सरिता, मेरी भी कुछ आदत है जो बदल नहीं सकता। मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए। ये शादी मेरी पसंद से हुई है, लेकिन कल मैं बाहर चला जाऊंगा, तुम टेंशन नहीं लेना। ठीक है। और हाँ, एक चीज बोलना भूल गया, मेरी माँ नहीं है। मेरे पापा ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। ठीक है। मेरे पापा का हमेशा ध्यान रखना। हाँ जरूर। और पता है तुम्हें, मेरे पापा ने दूसरा शादी नहीं किया। क्यों? क्यों? मेरे ऊपर कभी सौतेली माँ का साया न पड़े। सरिता, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे पापा को कभी दुखी नहीं करना। कभी नहीं, कभी नहीं। वाओ, कितनी सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा कि चांद जमी पर आ गया। आओ बैठो। मुझे आज बाहर जाना है। कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। कोई ऐसा करता है क्या, शादी के पहली रात उसको छोड़ के चला जाए? और काम भी तो देखना है। ठीक है, जाइए, जल्दी आ जाना। दो चार दिन में आ जाएंगे। चलो, डैडी नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलिए छोड़ाते हैं आपको। डैड मैं जा रहा हूँ, आप सरिता का ख्याल रखना। आप जाइए बेटा, सरिता का ख्याल मैं रखूँगा, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे। डैड आप अपना भी ख्याल रखना। ठीक। फोन करते रहना, टाइम से खाना खा लेना और जल्दी से आ जाना प्लीज़। हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा। और फोन करते रहना, और जल्दी से आ जाना, और फोन करते रहना। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, फोन करते रहूंगा। ओके, बाय 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 बाय। चले गए। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना आपकी चिंता, आप रोना बंद कीजिए और टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। एक दो दिन में आ ही जाएंगे, हमेशा के लिए थोड़ी गए हैं, दो तीन दिन लगेंगे, तब तक मैं हूँ ना। डैडी आप बहुत अच्छे हो, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। लग रही है बहू, क्या करूं मैं इसके लिए। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो देखता।
बहू। अरे क्या हो गया पापा जी आपको? अरे क्या हो गया पापा जी? फिसल गया बेटा। कैसे गिर गया आप पापा जी? पैर फिसल गया बेटा। अरे यहाँ बैठिए पापा जी, यहाँ बैठिए, लेट जाइए लेट जाइए लेट जाइए। चलिए आप टांग फैला के लेट जाइए अच्छे से। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पापा जी आपको? अरे पापा आपको क्या हो गया, आप कैसे गिर गए पापा जी? पता नहीं बहू, चक्कर आ गया, पैर फिसल गया और गिर गया। अभी आपको कैसा लग रहा है पापा जी? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं हाथ रखी हूँ तो पापा जी कैसा लग रहा है आपको? सर दबा दूँ मैं आपका? हाँ अच्छे से दबाओ। ठीक है मैं बाम लेके आती हूँ और आपके लगा देती हूँ लाके। नहीं बाम लेके आती हूँ पापा जी। नहीं नहीं तुम ऐसे बैठे रहो। हेलो राहुल। हाँ डैडी सीढ़ी से गिर गए। अरे क्या पता कैसे उनका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गए। अरे उनकी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा है अभी। हाँ हाँ डॉक्टर को बुलाती हूँ अभी। डैडी मना कर रहे हैं राहुल। हाँ ठीक है मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, उनको लग गया है अच्छे से। हाँ ठीक है आप भी आ जाओ यार। हेलो हाँ डॉक्टर साहब मैं बोल रही हूँ। हाँ मेरे डैडी सीढ़ी से गिर गए, आप जल्दी से आ जाइए प्लीज़। मुझे नहीं पता पैर स्लिप हो गया और वो गिर गए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप जल्दी से आ जाइए प्लीज़। आई आई। हेलो डॉक्टर साहब जी बोलिए। हाँ मैंने ही आपको बुलाया था, ये देखिए मेरे पापा जी सीढ़ी से गिर गए। डॉक्टर साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा आप टेंशन मत लीजिए, आपका पल्स बहुत अच्छा है। कैसे हुआ ये सब? अचानक चक्कर आ गया और गिर गया। अच्छा पल्स तो आपका बहुत अच्छा है शर्मा जी, आप टेंशन नहीं लीजिए। दिखाई नहीं दे रहा है डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है। मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ, आप ले लीजिएगा, भगवान पे भरोसा रखिए बहुत जल्दी अच्छा हो जाएंगे। पापा आप टेंशन मत लीजिए, आप अच्छे हो जाएंगे। मैडम आप घबराने की कोई बात नहीं है, शर्मा जी अच्छे हैं, पल्स भी अच्छा है, आँखों में ज़्यादा चोट नहीं लगी है, हो सकता है रिसेंटली चोट लगी इसलिए ऐसा लग रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, मैं दवा दे रहा हूँ, दो चार दिन में अच्छे हो जाएंगे। ठीक है आप दवा दे दीजिए। ठीक है जी आपका पेमेंट। अरे मैडम अभी आपका ससुर गिर गया है, पहले उनको देखिए क्या पेमेंट। हम फैमिली डॉक्टर हैं, जैसे अच्छा हो जाएंगे हम ले लेंगे। चलिए मैं आपको छोड़ती हूँ। ठीक है शर्मा जी मैं चलता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, चलिए ओके। आ गए आप? हाँ आइए। मेरी याद नहीं आई? याद तो बहुत आई। और बोलो। डैडी नहीं दिख रहा। क्या पता होंगे यहीं कहीं। चलो ऊपर चलते हैं। काय झाला? सर दो दिन से पापा लापता हैं, आजू बाजू में भी देखा। हाँ दोस्त लोग घर पे भी देखा, कहीं नहीं है। आप कौन? मैं इनकी वाइफ हूँ। तो कहीं और उनके यार दोस्त? नहीं कोई फोन नहीं आया, दो दिन से लापता है डैडी, मुझे नहीं पता। किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं? उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, मोहल्ले में बहुत अच्छे से रहते थे वो। फिर गए कहाँ?
तुम्हारे डैडी की कोई दुश्मनी तो नहीं थी? किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पक्का? ठीक है तावड़े, इनका केस लिखो। टेंशन मत लो, तुम्हारे डैडी को ढूंढ के लेके आएंगे। ओके सर। क्या नाम है उसका? शर्मा जी। तुम्हारा नाम क्या है? उमर? 56 साल। 56 साल। पक्का? गोल्डन बॉडी। ठीक है जाओ, हम लोग ढूंढ के बताएंगे। नमस्ते अंकल, मेरे पापा को देखे क्या? मैंने 2 दिन से तो नहीं देखा बेटा, पता नहीं। ठीक है अंकल। ठीक है। 9760283986। हेलो, अभी तक पता नहीं चला। एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पुलिस चौकी में आइए। ठीक है, आ जाइए। इंक्वायरी करने आपके पापा? ये आपकी वाइफ है? जी। मैडम आप ही बताइए। जी बोलिए। जब पापा आपके घर पे थे तो पैसे के विषय में किसी से झगड़ा हुआ था? हाँ हुआ था, एक अंकल थे उनसे बात कर रहे थे फोन पर। 20,000 रुपए उन्होंने उनसे उधार लिए थे, पापा ने उनको दे दिए थे 20,000 रुपए, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया और झगड़ा कर लिया। नाम क्या है उसका? नाम लिखो। क्या नाम है उसका जिसको पैसा दिए थे? कोई नंबर वंबर है उसका? नहीं, नंबर तो नहीं है, बट डैडी के पास उनका नंबर था, डैडी के पास मोबाइल था। जाइए हम पता करते हैं। ठीक है सर। थैंक यू। बैठ जाओ। आप मिस्टर शर्मा को कब से जानते हैं? बहुत दिनों से, वो तो हमारा घर के पास रहते हैं। आपको बताएं मिस्टर शर्मा का मर्डर हो गया है? नहीं सर, मैं तो बाहर था, मुझे नहीं पता। अच्छा तुम बताओ, उनसे 20,000 रुपये लिए थे? नहीं, मैंने तो कभी नहीं लिया। कौन बोला ये बात? मिस्टर शर्मा की बहू बोल रही थी तुमने 20,000 रुपये लिए शर्मा जी से। उनसे कोई पैसा नहीं लिया, उनकी बहू जो बोले ना वो झूठ बोल रही है। सर 3 दिन से मैं बाहर था, सबूत के लिए मैं टिकट दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं था। तावड़े, मिस्टर शर्मा का मैटर तो उलझते ही चला जा रहा है और कुछ पता भी नहीं चल रहा है। मैटर क्या हो सकता है? कोई आया है? इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ। तावड़े खोटा बोलती है ना, उस दिन उस रात जंगल में क्या कर रही थी? हाँ मैंने मारा है, मुझे माफ कर दो।
मेरे साथ बहुत गलत हुआ। सुनो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिताजी ने क्या किया मेरे साथ? क्या मुझे देख रहे हैं क्या पापा जी? नहीं 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 दिख रहा है। पवन, मुझे माफ कर दो ना यार, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। पापा की गलत नज़र थी मेरे ऊपर।